हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये फ्लावर मैंने ऑरेंज कलर के साटन के रिबन से बनाया है। इस फ्लावर में मैंने 50 पत्तियां काम में ली। सभी पत्तियों के ऊपर मैंने एक एक रेड कलर का स्टोन लगाया है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस फ्लावर का यूज़ हम किसी भी पिन, बैक पिन या रबड़ पे या किसी भी ड्रेस पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने रिबन की स्ट्रिप काटते हैं। ये रिबन हमारा 2.25 सेमी की चौड़ाई का है और इसकी 10-10 सेमी की हम स्ट्रिप काटते हैं। अब इसे दोनों तरफ से हम सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह हम अपनी सभी पत्तियों को सिक्योर कर लेते हैं। जिस कलर का हम रिबन लेते हैं उसी कलर का हम धागा यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपनी पत्तियों को उल्टी तरफ से हम हाफ फोल्ड करते हुए इस तरह ऊपर एक निशान बना लेते हैं। अब इसे ऊपर की तरफ हम फोल्ड करते हैं, लगभग 1 सेमी से थोड़ा कम रहता है। इसी तरह दूसरी तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है। अब इसे सेंटर में से हम सुई धागे से इसमें एक नोट लगा देते हैं। अपने धागे को हम कट कर लेते हैं। इस तरह हमारी डिज़ाइन बन जाती है। एक तरफ की पत्ती को हम ऊपर की तरफ से हाफ फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह दूसरी तरफ की पत्ती को भी कर लेते हैं। दोनों पत्तियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस तरह से। इन्हें भी हम नीचे की तरफ से सुई धागे से नोट लगा देते हैं। इस तरह हमारी ये पहली पत्ती बन जाती है। अब हम अपनी दूसरी पत्ती बनाते हैं, उसी तरह से हाफ फोल्ड करते हैं और अपने ऊपर की डिज़ाइन बना लेते हैं। सेंटर में से इसे नोट लगा देते हैं। और इसी तरह हम नीचे से इसे हाफ फोल्ड करके दोनों पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर लगा के इसे भी नोट लगा देते हैं। इस तरह हमारी ये दोनों पत्तियाँ बन जाती हैं। इनके ऊपर हम स्टोन लगाएंगे। इसके लिए हम बॉन्ड ग्रिप का यूज़ करते हैं, जो किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। अब इस तरह के हम स्टोन लगाते हैं। ये हम हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं। अगर हॉट ग्लू नहीं होता है हमारे पास, ग्लू गन नहीं होती, तो हम इसे से लगा लेते हैं बॉन्ड ग्रिप से। इस तरह के एक स्टोन लगा देते हैं हम इसे और ड्राई होने के लिए इसे रख देते हैं। इस तरह हम दोनों पत्तियों पर स्टोन लगा लेते हैं और हमारी सभी पत्तियों को बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमने अपनी सभी पत्तियाँ बना ली। ये कुल मैंने 50 पत्तियाँ बनाई। सबसे पहले हम फेल्ट का राउंड पीस लेते हैं। ये पीस मैंने 3 सेमी के राउंड का लिया है। इसकी जगह हम टेट्रोन भी यूज कर सकते हैं। अब इस फेल्ट के पीस के ऊपर हम अपनी सभी पत्तियों को चिपकाते हैं। इसके ऊपर हम चिपकाने के लिए फेविबॉन्ड का यूज कर सकते हैं। फेविबॉन्ड ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम इसे हॉट ग्लू गन से चिपकाते हैं। तो इस राउंड के हम चार जगह के ऊपर हम इसके ऊपर एक एक पत्ती लगा देते हैं। इसलिए हमने चार जगह इस पर एक एक पत्ती लगा दी। अब इन पत्तियों के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम दो दो पत्तियाँ लगाते हैं। पत्तियाँ लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी पत्तियों की जो लंबाई है वो बराबर रहे, छोटी बड़ी ना हो। छोटी बड़ी होने से हमारे राउंड सही नहीं बनता है। तो ये पत्तियाँ लगाते समय अपनी पत्तियों को हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर हम कुल 12 पत्तियाँ लगाते हैं। इस तरह हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड राउंड लगाते हैं। सेकंड राउंड में भी पत्ती को हम लंबाई बराबर रखते हैं। सेकंड राउंड में हम 11 पत्तियां लगाते हैं। इसमें भी हम अपनी पत्तियों को लंबाई बिल्कुल बराबर रखते हैं।
फिर हमारी ये सभी पत्तियाँ लग गई, तो हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के अंदर हम इसमें 9 पत्तियाँ लगाते हैं। बस हमें अपने पत्तियों की लंबाई का ध्यान रखना रहता है कि वो छोटी बड़ी ना हो जाए, सभी पत्तियाँ बराबर साइज में आनी चाहिए, नहीं तो हमारे फूल की शेप बिगड़ जाती है। इस तरह हमारी ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम अपनी इसमें फोर्थ रो लगाते हैं। फोर्थ रो के अंदर हम इसमें 8 पत्तियां लगाएंगे। इस तरह हमारी ये फोर्थ रो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसमें अपनी फिफ्थ रो लगाते हैं। फिफ्थ रो के अंदर हम इसमें 6 पत्तियां लगाते हैं। इस तरह हमारी ये फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसमें 6 रो लगाते हैं। 6 रो के अंदर हम 4 पत्तियां लगाते हैं। इस तरह हमारी ये 6 रो भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरा ये फ्लावर अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो अच्छे लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।